ऐसे तो अच्छा लगता है, लेकिन हर चीज महंगे बहुत है यहाँ पे। लीजिए ये यानी सिर्फ गुजरात की जनता, ये लोग नहीं, गुजरात की जनता भी वही कह रही है कि भाई सब कुछ तो ठीक है, महंगाई बहुत है, ये हकीकत है क्या? हकीकत है, पहले इतना महंगा नहीं था, अभी कोरोना के बाद सब कुछ बहुत महंगा हो गया। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उस तस्वीरों को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि इस वक्त हमारे टीम की मौजूदगी अम्बा देवी मंदिर के आसपास है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ देश विदेशों से ही नहीं पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, लोग सिर्फ घूमने नहीं, यहाँ पर नेता भी यहाँ पर आते हैं, यहाँ आशीर्वाद लेते हैं, दर्शन करते हैं, और कई लोग इस बात को लेकर आशीर्वाद करते हैं कि उनके पार्टी का क्या होगा। पहले आप दर्शकों को बता दें कि सिर्फ और सिर्फ पक्ष विपक्ष ही नहीं है, देश के एक से बढ़कर एक दिग्गज जो है वो यहाँ दर्शन करने आते ही हैं, आशीर्वाद लेते ही हैं, और वो इसलिए कि आखिर किसका आशीर्वाद किसको मिल जाए। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, भूपेंद्र पटेल जी, ये तमाम नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी तक यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि इस मंदिर की अहमियत, इनकी खासियत क्या है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि चुनाव गुजरात में भी चुनाव होने वाला है, अब नेताओं का दौर यहाँ शुरू हो जाएगा, दर्शन करने आएंगे, आशीर्वाद लेने आएंगे, लेकिन आशीर्वाद किस नेता को मिलेगा, किस पार्टी को मिलेगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि नॉमिनेशन लोग कर रहे हैं, नेता नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं, और ऐसे वक्त में जनता का आशीर्वाद किस पार्टी को मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसको जानने के लिए आज अम्बा देवी मंदिर के आसपास आ गए हम लोग, बहुत सारे लोग घूमने भी आ रहे हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका? नीता बेन। नीता जी, यहाँ लोग तो आते ही हैं घूमने के लिए, आशीर्वाद भी लेते हैं, दर्शन करने आ रहे, आई थिंक आप लोग भी आई होंगी। हाँ। कैसे देख रही हैं, यहाँ बहुत सारे नेता भी आते होंगे, चुनाव का भी वक्त है, कैसा लगता है आप लोग को मंदिर के बारे में आते हैं यहाँ तो घूमने के लिए? बहुत अच्छा लगता है हमको माता जी का दर्शन करके, और सगवर भी अच्छी की है इधर। अच्छा, सफर अच्छा लगता है? अच्छा लगता है सफर। अच्छा, आते हैं आप लोग घूमने के लिए तो उसके बाद नेता लोग को देखते हैं आते हुए घूमते हुए? नहीं, आज नहीं, तो नहीं, नहीं दिखा नहीं, 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 आज, कभी कभी मतलब कभी, कभी देख देखते हैं। अच्छा अच्छा, एक सवाल, मैं तो यहाँ घूमने आया था तो मैं भी सोच रहा था, तो चुनाव का भी वक्त है, चुनाव उनाव का कुछ हल चल रहा आप लोग इधर? नहीं, रैली देखी वही रास्ते में, मैं भी देख रहा इसीलिए मैं पूछ रहा था। नहीं, रैली देखी हमने। किसका देखा रैली? कांग्रेस की। अच्छा, कांग्रेस की, भाजपा की, सबकी रैली देखी। अच्छा, इधर किसका किसकी हलचल चल रही है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? अहमदाबाद से आए। अच्छा, एक सवाल, अहमदाबाद से मैं भी आया हूँ, खैर। अच्छा, ये कैसे देख रही हैं आप लोग गुजरात सरकार का कामकाज, अच्छा लगा आप लोगों को? ना, अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब गढ़ बहुत अच्छा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अच्छा, ये कांग्रेस और विपक्ष वाले लोग कहते हैं कि कोई अच्छा काम नहीं लगा, तो आप लोग अच्छे में बताइए क्या क्या किया? मोदी जी ने सब अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने। मोदी जी ने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है। गब्बर घूम के आए, वहाँ देखा तो पहले से बहुत बढ़िया है यहाँ, बहुत अच्छा। इस बार किसकी सरकार बनेगी आपको? हमारे तो भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा की ही सरकार बनेगी। क्या नाम हुआ सर आपका? दीपक त्रिपाठी। दीपक जी कैसे हैं? आम आदमी युद्ध प्रेसिडेंट अम्बा जी, दाता दस विधानसभा से हूँ मैं। तब तो फिर आप कहेंगे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? आम आदमी की सरकार अवश्य बनेगी, गुजरात की जनता को परिवर्तन चाहिए। अभी तो बात करते देख रहे थे ना आप, उन्होंने तो कहा कि मोदी सरकार, देखो 27 साल से बीजेपी सरकार है, अब गुजरात की जनता चाहती है परिवर्तन। अभी परिवर्तन उन्हें क्यों चाहिए? परिवर्तन चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार गुजरात में बहुत बढ़ गया है। अच्छा, हाँ, भ्रष्टाचार बढ़ गया, भ्रष्टाचार बहुत है, महंगाई महंगाई है, महंगाई के खिलाफ कोई बोलता नहीं है। महंगाई है एक मुद्दा जो मैं आपसे समर्थन में हूँ कि मैंने लोगों से बात किया था, कहा महंगाई है, लेकिन बाकी बीजेपी के नेता मंत्री को सुनेंगे तो आप जिस तरह से भी लाइट ये चमकता दिख रहा है, उस तरह से गुजरात कह रहे चमक रहा है, खूब तरक्की कर रहा है। गुजरात में विकास हुआ है, मैं मानता हूँ, अभी जनता का विकास नहीं हुआ है, जनता को विकास चाहिए, महंगाई के खिलाफ हम लोगों को लड़ना है और महंगाई कम करने की बात करनी है हमको। तो क्या लगता है आपको किसके नाम पर यहाँ गुजरात में आम आदमी? गुजरात में क्या है, महागठबंधन होगा गुजरात, महागठबंधन आम आदमी और कांग्रेस का गठबंधन होगा गुजरात में, ये फिक्स है। आम आदमी पर केजरीवाल जी कह रहे 3 से 4 सीटें लाएंगी कांग्रेस, ये गलत है, गलत है, अभी सर्वे अभी पता चल जाएगा, 8 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। मेरे सहयोगी भी आज जिग्नेश मेवानी जी जो है उन्हें टिकट मिला कांग्रेस के, वो खुद ही कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को एक टिकट भी नहीं, अभी कहने से कुछ नहीं होता है। अभी देखो 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे गुजरात के कि किसकी सरकार बनेगी। सरकार में ऐसा है जो आम आदमी की सीट ज़्यादा आएंगी तो आम आदमी की सीट सरकार बनेगी, और कांग्रेस की सीटें ज़्यादा आती तो कांग्रेस सरकार बनेगी। गठबंधन अवश्य है, 27 साल में पहली बार गठबंधन होगा, महागठबंधन होगा, आम आदमी और कांग्रेस का गठबंधन फिक्स है गुजरात में। तो
सर दिल्ली जीता, पंजाब जीत लिया, कैसे सोच रहे हैं कि गुजरात की जनता उन्हें आशीर्वाद दे देगी और इसीलिए इस मंदिर से आके आशीर्वाद देखो समझ रहे हैं? आम आदमी पार्टी को अगर चुनाव गुजरात में लड़ना होता तो 6 महीने 8 महीने पहले से प्रचार करते गुजरात में अंदर। ये अभी आए हैं 2 महीने 1 महीने से प्रचार करने गुजरात में, ठीक है। मुझे तो अवश्य लग रहा है गठबंधन होगा गुजरात में। किसके आम आदमी पार्टी को किसके नाम पे वोट मिलेगा? अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, राघव चड्ढा जी, किसके नाम पर वोट मिलेगा? दिल्ली में चलिए केजरीवाल जी के नाम पे मिल जाता है, पंजाब में भगवंत मान के नाम पे मिल जाता है, यहाँ किसके नाम पे मिलेगा वोट? यहाँ मिलेगा केजरीवाल के नाम से मिलेगा वोट, केजरीवाल के ही नाम से मिलेगा। हाँ अच्छा, बीजेपी में क्या लगता है, मोदी सरकार का कामकाज कैसा रहा गुजरात? मोदी सरकार का काम मुझे तो कोई अच्छा नहीं लगा। आम आदमी पार्टी कितनी सीट लेगी? आम आदमी की सीट अभी तो एक सर्वे में 125 सीटें बता रहा है। बेटा क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। वीरेंद्र जी कैसे देख रहे हैं, यहाँ कुछ चुनाव को लेकर चर्चा है? अभी ऐसे सीट आए इसके ऊपर पता चले, सीट आवे इसके ऊपर पता चले। अच्छा, किसका चर्चा ज्यादा चल रहा है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, किसका? अभी आम पार्टी के चलते और चल रहे ज्यादा, आम आदमी पार्टी का ही चल रहा। आपने देखा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। तो आपने देखा कि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, कांग्रेस और जो है बीजेपी की तो चर्चा होती है, मोदी जी इस रेस में रहते हैं। क्या नाम हुआ सर? जीतू। कौन जीत रहा है गुजरात में? अच्छा, मोदी जीत रहा है। मोदी, मोदी जी जीत रहा है, देख रहे हैं। तो मोदी जी की भी चर्चा हो रहा है, तो मैं बता देता हूँ, कुछ देर के बाद मैं आपको बताऊंगा। अभी SPN9 न्यूज़ है ये, आप चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, महिलाएं एक्चुअली जो बाइट दे रही हैं उनको देखना भी होता अपना वीडियो, तो इसलिए वो जो है कहती है कि भाई कौन से चैनल है, इसलिए उन्हें बताता है। आइए कुछ लोगों से और बातचीत करने की कोशिश करें। काका जी क्या नाम हुआ? जयेश पटेल। पटेल जी कैसे देख रहे हैं गुजरात में इस बार, क्या माहौल है? अभी तो साहब इलेक्शन का माहौल चल रहा है ना। हाँ। हम तो सेवा करते हैं, हमारे इसी से कोई लेना देना नहीं है माता जी की। वो इसी सेवा में तो मैं भी दर्शन आशीर्वाद लेने आया था, तो एक्चुअली चुनाव का वक्त है, नेता भी आते होंगे, इसलिए मैं सोचा कि माहौल क्या है। माहौल तो अभी क्या है, कोई बीजेपी बोलता है, कोई आप बोलता है, कोई कांग्रेस बोलता है, सब बोलते हैं, सब सब की चलता है, पर लेकिन 8 तारीख को सब मालूम है। अच्छी बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती है ना कि सभी पार्टियों की चर्चा, सभी पार्टियों की चलता है, सबकी सबकी चलता है। कोई आगे पीछे रहता है ना, आगे पीछे कोई कोई इलाके में रहता है, जैसे अभी एक बात सुन लो, जैसे अभी मैं आ रहा हूँ आपके पास। क्या नाम हुआ? गौरी बेन। गौरी जी कैसा लग रहा है गुजरात सरकार का कामकाज, कैसा लगा आप लोगों के लिए? अच्छा लग रहा है, अच्छा है, अच्छा है। अभी मैं बात कर रहा था, कह रहे कि बर्बाद कर दिया, न राशन दिया न पानी दिया, कैसे देख रही हैं? इधर आ जाओ। सब दिया सर, मोदी चाहिए, मोदी खाली, सिर्फ मोदी चाहिए, सिर्फ मोदी और कोई नहीं, और कोई नहीं, कोई नहीं, केजरीवाल बीजेपी झाड़ू बाड़ू कोई नहीं आएगा अंदर। ये तो मोदी, मोदी जी क्यों चाहिए? मोदी मोदी है तो मोदी ने क्या नहीं किया बोलो? सब किया है, सब सब सुविधा मिल रही है मोदी के राज में। भाई कांग्रेस ने इतने साल राज किया, क्या मिला था? कुछ नहीं मिला था। अभी अभी लोगों से मैं बात कर रहे थे, अभी मैं लोगों से बात कर रहा था, बाकी पार्टी भी ये कहती है कि मोदी जी तो बर्बाद कर दी गुजरात के लोगों को, महंगाई बढ़ा दी है, राशन नहीं दे रहे हैं। जैसे महंगाई बढ़ा ऐसे पगार भी बढ़ रही है, पगार बढ़ा है, रोकड़ा बढ़ा है, तो फिर सब हो रहा है, कौन बोल रहा है नहीं हो रहा है? तो आप लोग गुजरात सरकार के नाम पे वोट नहीं कर रहे, मोदी जी के नाम पे? मोदी मोदी ओनली फॉर मोदी, बाकी कोई नहीं, बाकी कांग्रेस आम आदमी पार्टी नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं चलेगा। तो क्यों आप लोगों को क्या लगता है कि मोदी जी की इतनी अच्छी छवि किस वजह से बना है? इतना काम करते हैं इसके लिए, कौन सा काम गुजरात में फैसिलिटी किया है, कितनी भी फैसिलिटी बताइए, सब फैसिलिटी औरत के लिए किया है, बच्चे के लिए किया है, घर के लिए किया है। कोई भी रात को 12-1 बजे भी घूम सकती है, पहले घूम सकती नहीं, घूम सकती थी। ये एक बड़ी बात इन्होंने कहा कि माँ बाप गरीबों को मकान दिया, साथ मारिया लिफ्ट वाला अच्छा मिला है, सब अच्छा किया है, मतलब ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कुछ नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, जैसे आए उसे वापस चले ही जाओ तो अच्छा है, फालतू में टाइम नहीं बिगाड़े। अच्छा, झाड़ू कुछ नहीं करने वाली, झाड़ू कुछ नहीं, उसकी झाड़ू यहाँ लगने वाली है नहीं, उसको बोल दिल्ली में लगा और पंजाब में, यहाँ तो नहीं लगेगी। अच्छी जनता है, देखिए खूबसूरत जनता। हाँ काका जी चलेंगे क्या यहाँ पर से? अच्छा चले गए, वो वहाँ चले गए, चलिए उनसे बात करना था, हालांकि कोई बात नहीं, चलिए अंदर आप जाके कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ काका जी? अश्विन भाई। सिंह जी कैसे देख रहे हैं गुजरात में, क्या माहौल है इस बार, चुनावी जो सरगर्मियां हैं? वो चुनाव का माहौल, हाँ। वो तो बीजेपी है ना, बीजेपी है, हाँ। इधर सिर्फ बीजेपी है, आम आदमी पार्टी नहीं? नहीं नहीं, वो नहीं चलेगा ना। अच्छा कांग्रेस? कांग्रेस भी नहीं चलेगा। तो फिर मुकाबला किससे, एक तरफा मुकाबला है या मुकाबला है? वो तो मुकाबला कोई भी करे, आने वाले बीजेपी ही है, बीजेपी ही है, हाँ। किसके नाम पर? भूपेंद्र पटेल जी, वो तो मोदी है ना, मोदी जी, हाँ मोदी, मोदी जी है, हाँ उसके नाम पे ही है ना, और कोई नहीं उसके टक्कर में? टक्कर में वो नहीं है ना, चेहरा ही नहीं है ना। अच्छा चेहरा नहीं है इसलिए? हाँ इसलिए। और कामकाज कैसा रहा गुजरात सरकार का? वो बहुत बढ़िया है, हाँ हाँ। लोग कह रहे हैं कि कामकाज तो हुआ नहीं कुछ, 27 सालों से सिर्फ गुजरात की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ना ना, वो तो सबका दिमाग अलग है ना, हाँ। और बाकी मुद्दे का कितना फर्क पड़ेगा, जैसे कि मुरवी हादसा हुआ था, क्या इसका कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ तो हादसा हुआ, उसमें उसका क्या हाथ है, इसमें मोदी का कोई दिक्कत नहीं? ना उसका क्या है,
केजरीवाल जी कह रहे थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की उधर मोरबी हादसा हुआ, ये इधर रैलियां कर रहे हैं, इसको कैसे देख रहे थे आप लोग? तो उसमें मोदी जी का कुछ नहीं है ना। अच्छा, मोदी का कोई दिक्कत? हाँ। तो इस बार किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी। बीजेपी की सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? नहीं बनेगी बीजेपी। चलिए अंदर जाके बात करते हैं इन लोगों से। अच्छे लोग। अच्छा, यहाँ से तो एंट्री भी नहीं है। सुमित जी पीछे से ले जाएंगे, पीछे से चले सर। हाँ, तो सुमित जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, भला कि आपने देखा कि कितने खूबसूरत लोग हैं जो बातचीत कर रहे थे, समझ रहे थे। और देखिए, अच्छी बात है कि यहाँ पे जान रहे थे और इधर चली, इधर बात करने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ तो देख लिया आपने कि यहाँ सिर्फ लोग दर्शन करने नहीं आ रहे, चीज़ों को समझने भी आ रहे हैं। आगे जी, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? क्या डर गए? क्या क्यों डर जाएगा मैं? अच्छा, ये मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ और यहाँ जानने आया हूँ कि गुजरात चुनाव को लेकर कुछ चर्चा वर्चा है? नहीं, वो मालूम नहीं। चर्चा मालूम नहीं? कहाँ से आप? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से तो वोट उठ तो करते होंगे? क्या वोट करने तो जाते होंगे आप? जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। तो क्या आपके इधर एरिया में मुद्दे क्या है, किस बात पे नेता से वोट नेता जो वोट मांगने आ रहे हैं? हाँ। तो क्या कह रहे हैं कि क्या करेंगे आपके क्षेत्र में? स्कूल बनाएंगे, बच्चों को नौकरी देंगे? वो सब तो सही है ना? सही है सब कुछ। हाँ। गुजरात सरकार ठीक कर रही है? ठीक कर रही है। चलिए ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चलिए इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? संजय सिंह। संजय जी कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अभी बात कर रहे हैं, कोई गुजरात सरकार का चर्चा क्यों नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा है। गुजरात सरकार की चर्चा तो सब जगह है। हाँ, अभी तो बात कर रहे थे, कह रहे मुझे समझ मालूम नहीं, नहीं, उनको नहीं मालूम होगा। लेकिन जी जी बहुत। ये क्या गुजरात सरकार ने काम कर सके? बहुत काम किया है। हाँ। टूरिज्म में देखिए कि इतना सुविधा किया। हाँ। टूरिज्म की वजह से तो यहाँ पे मैं वीडियो ही बना रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, घूमने आते हैं, हर राज्य से आते हैं। जी जी जी। सरकार का काम काज कैसा? सरकार का बहुत अच्छा कार्यक्रम है। बताइए एक दो काम। जैसे कि सड़कें हुआ। अच्छा ठीक है, सड़क। सड़क पहले कितना उबड़ खाबड़ था। हाँ। अभी आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं। हाँ। अच्छा, मुकाबला किसके किसके बीच है इस बार के चुनाव? मुकाबला तो हमको हमारे नज़र में किसी से नहीं है। किसी से नहीं है? किसी से नहीं, किसी से नहीं है मुकाबला। बीजेपी किसी से मुकाबला नहीं है काका जी? नहीं, किसी का मुकाबला नहीं है। तो ये जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, कोई आम आदमी पार्टी का देखिए दिल्ली में जाकर क्या है, रोड सड़क देखिए कैसा है, उसका जर्जर स्थिति है। कह रहे कि भाई शिक्षा इतना अच्छा स्कूल बना दिया कि न्यूयॉर्क। नहीं नहीं, वो अमेरिका में प्रचार हुआ है, वास्तविक चीज पर नहीं प्रचार हुआ। हकीकत हकीकत नहीं है, झूठ बोल रहे मतलब? जी जी एकदम। सारा कोई पार्टी अभी चलेगी नहीं? नहीं चलेगी अभी? चलेगी। तो कांग्रेस तो है? कांग्रेस तो आप कहाँ चले गए, अब तो कांग्रेस का दिन खत्म हो गया। कांग्रेस को मोदी जी ले जाएंगे इटली, वहाँ उठी इटली डोसा बेचवाएंगे मोदी जी। हाँ, कांग्रेस है अभी फोर बीजेपी है, सिर्फ बीजेपी। बीजेपी तो बीजेपी को किसके नाम पे वोट मिल रहा है, यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी के नाम पे या मोदी जी के नाम पे? मोदी जी अभी के नाम पर ही ज्यादातर है। अच्छा, बीजेपी की ताकत क्या, आप लोग ये मुझे थोड़ा समझाइए, बीजेपी की ताकत क्या है? ताकत के साथ साथ काम है, और विदेश में जैसे जीएसटी अथी हुआ, वो सब के मुद्दे पर ज्यादा है, इसके लिए ताकत उनके पास है। मतलब उनका विकास उनकी ताकत। जी जी हाँ जी। मतलब आप लोग कह रहे हैं गुजरात सरकार फिर से बीजेपी? बीजेपी। हाँ, बीजेपी। कितनी सीटें लाएंगे इस बार? पूरे पूरे कितना? पिछले बार 99 आए थे, कितना? 100 प्लस ही जाएगा। 100+ सीटों की बात कर रहे हैं ये लोग। चलिए कुछ लोगों से अंदर बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं, देखिए बीजेपी का बोलबाला तो इस एरिया में है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। और जो है मैं कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम हुआ काका जी? मेरा नाम गीता बेन है। गीता जी कैसा? हाँ। लगा गुजरात सरकार का काम काज, कुछ किया आप लोगों के लिए? अच्छा तो लगा। अच्छा लगा। काम का तो शुरू है, चालू है। गैस वगैरह मिला, सिलेंडर वगैरह मिला? हाँ वो तो है ना हमारे पास। आपके पास है? हाँ। सरकार वाला मिला कि खुद से खरीदे? नहीं, हमने खुद से खरीदा। तो इतना अन्याय क्यों, सरकार वाला ले लेती? पर हमने पहले ले लिया ना। अच्छा, पहले ही ले लिए? हाँ। और क्या, और इलाके में कैसा काम काज हुआ? हाँ, हम आनंद जिला से आए हैं। अच्छा। हाँ। तो गुजराती में है ना? हाँ। गुजराती की बात करें। अच्छा, आप लोग के इलाके में कौन सब नेता आता है, कांग्रेस का, बीजेपी का? हमारे बीजेपी का चालू। अच्छा, बीजेपी का ही आता है। हाँ। आप लोग भी बीजेपी को समर्थन करती हैं? हाँ। किसके नाम पर, गुजरात की सरकार या मोदी जी के नाम पर? हम मोदी जी के नाम पर। मोदी जी को जानती हैं? हाँ। तो चलिए, तो मोदी जी के नाम पर ही जो है इन्हें वोट मिलता है। चलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग है घूमने के लिए आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? गुजरात। आनंद, आनंद से। इधर चुनाव नाम को लेकर कुछ चर्चा है? अभी तो चुनाव की क्या चर्चा करेंगे। चुनाव को लेकर कुछ चर्चा है? कोई नहीं है। आप लोग वोट करती हैं?
करते हैं। करते हैं तो वोट करते थे, क्या सोच के करते हैं, मतलब घर वाले जो कहते हैं उसके हिसाब से या अपने हिसाब से? नहीं नहीं, अपने हिसाब से करते हैं। क्या मुद्दे को लेकर आप लोग वोट करती हैं कि गांव की हमारे लिए अच्छा काम करे, इसके लिए कौन अच्छा करेगा इस बार? तो क्या पता कौन करेगा, फिर आप नहीं सोचेंगे तो कौन करेगा? घर की तरक्की कैसे होगा? मकान कौन देगा, सिलेंडर कौन देगा? ये तो बच्ची कौन देगा, मोदी जी या अरविंद केजरीवाल देंगे? मोदी जी देंगे। कौन देंगे? मोदी जी। बड़ी प्यारा बच्चा है ये। तो ये जो है चीजें आप देख रहे हैं कि ये चीजें तो हुई हैं। चलिए यहाँ पे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, इधर आ जाएं हम, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? हमारा नाम कमला बेन। कमला जी, सब बिक्री बाटा ठीक ठाक हो रहा है? हाँ ठीक होता है ना। इस बार चुनाव उनाव को लेकर नेता सब आ रहे हैं, चर्चा कुछ हो रहा है? चुनाव है, चुनाव को लेकर? हिंदी में बोलो अंकल, हिंदी में। गुजराती आती है इनको? अच्छा, मुझे गुजराती नहीं आती है, ठीक है कोई बात नहीं है। क्या नाम हुआ सर? बहुभाई जोशी। जोशी साहब, कैसा लगा गुजरात सरकार का काम? गुजरात सरकार का काम अच्छा है। कैसा लगा गुजरात सरकार? गुजरात सरकार का काम अच्छा, सब वहाँ से बड़ा चल रहा है। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। किसका किसके बीच मुकाबला है इस बार? इस बार भी मुकाबला किसी को कहते हैं, माँ बाप छोड़ो, जो अच्छा काम किया वही जीतेगा। कौन किया अच्छा काम? अच्छा मोदी जी ने किया। मोदी जी या गुजरात सरकार? गुजरात सरकार ने, मोदी जी का जो मोदी होता जब वो ये काम होता। अच्छा हाँ, ये बोलता हूँ। तो इस बार ये जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का 27 सालों का, अब ये किसका कहने जाता है, इसमें पल्ला किसका भारी है किसका कम है वो किसी को नहीं, पब्लिक के मुंह पे कोई नहीं दे सकता। अच्छा, इस बार आप लोग एरिया में मुद्दे क्या है ये बता दीजिए, कम से कम मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है यार, सब बात है, मुद्दे अच्छे हैं, कौन है किसके हाथ में नहीं भैया। चलिए, मुद्दे क्या है आप लोग के एरिया में ये बताइए। सब अच्छा किया, मोदी जी आएंगे और मोदी जी सरकार। मोदी जी तो अच्छा किया ही, मैं सुन सुन के तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन किया क्या अच्छा ये बताइए। अम्बा जी का विकास किया, मंदिर का डेवलपमेंट हुआ, सब अच्छा हुआ। 370 की धारा तो 4500 साल पुराना है, तब से तो पहले ऐसा बड़ा नहीं था, अब सोने का बना मंदिर। अच्छा, सोने का बना हुआ समग्र मंदिर, हजारों लाखों पब्लिक बड़ी है। जो ये बोलते हैं कि आपका घर बना देंगे, सोना वाला घर बना कि नहीं? माता जी का तो बना है, हमारा भी बनाएगा। अच्छा हाँ। तो आप लोग के घर गांव में काम काज कैसा चल रहा है सरकार? अभी ठीक है, विकास होगा, अभी थोड़ा बहुत मुंगारा थे। किसके किसके बीच है टक्कर, किसको किसके बीच? टक्कर तो अभी बीजेपी आने वाली है, बाकी कोई टक्कर नहीं है, कोई नहीं है सामने, कोई नहीं है, कोई सामने नहीं है, सब 150 पार हो गए। चलिए, और कुछ महिलाओं से बात करते हैं, इधर चलते हैं, इस साइड में बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक जो समर्थन मिला है वो लगभग जो है बीजेपी को ही मिला है। मैं इधर बात कर सकता हूँ सर? हाँ, देखिए ये आके ना खुशी एक अलग होती है, लोग एकदम खुल के बात करते हैं, बाकी जगह लोग भागते हैं डर से वगैरह वगैरह। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा पन सिंह। देखिए कचौरी बड़ी खुशबू आ रही है, चुनाव की बू है इस एरिया में कि नहीं है? क्या चुनाव को लेकर चर्चा है? है ना। कौन जीत रहा है इस बार? यार जीत रहे थे। कौन जीत रहा है? मोदी जी, केजरीवाल, कौन जीत रहा है? मोदी जी बोल रहे हैं, हम मोदी जी जीत रहे हैं। शायद ये भाषा को समझने में दिक्कत कर रहे होंगे, तो देखता होगा। चलिए, कुछ लोग अंदर यहाँ मंदिर में जो है घूमने आते हैं, दर्शन करने के बाद यहाँ पे खाने पीने के लिए बातें, आप देख रहे हैं बड़ा सा जो हॉल है, इन लोगों से बात करते हैं। काकी जी कैसी हैं आप? बस अच्छी हूँ। अच्छी हैं, यहीं से हैं आप? नहीं, मैं बम्बई से आई हूँ। मुंबई से घूमने के लिए हैं, कैसा लग रहा है घूम के यहाँ? अभी आज ही तो आए हैं। आज ही आए हैं, आप लोग भी घूमने आई हैं? उनके साथ ही आए हैं। ठीक है, तो ये लोग घूमने के लिए आए हैं, गुजरात में कैसा लग रहा है घूमकर? ऐसे तो अच्छा लगता है, लेकिन हर चीज़ महंगी बहुत है यहाँ पे। लीजिए, ये यानी सिर्फ गुजरात की जनता है, ये लोग नहीं, गुजरात की जनता भी वही कह रही है कि भाई सब कुछ तो ठीक है, महंगाई बहुत है, ये हकीकत है क्या? हकीकत है, पहले इतना महंगा नहीं था, अभी कोरोना के बाद सब कुछ बहुत महंगा हो गया है। मतलब आम लोगों के लिए और भी दिक्कत की बात है। सही बात है। तो ये सरकार तो कहती है कि भाई महंगाई है कहाँ, तो तब कैसा लगता है आप लोगों को? अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा आता है। नहीं, गुस्सा ही आता है, सरकार कुछ करती नहीं है ना, सुनती ही नहीं है खाने। लेकिन यहाँ गुजरात के लोगों से बात कर रहा हूँ, कह रहे कोई दिक्कत ही नहीं है, सब तो खुशहाल है, तरक्की हो रहा है गुजरात में। हमारे बम्बई में है, लेकिन इतना महंगा तो नहीं है। महंगा बम्बई में नहीं है, बम्बई वहाँ भी वहाँ का महंगा नहीं है, और ये छोटे से शहरों में इतना महंगा है। वहाँ भी वैसे बीजेपी की सरकार आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो ये सच्चाई है, देखिए लोग घूमने भी आ रहे हैं, महंगाई तो गुजरात में है, देखिए सिर्फ ये लोग नहीं, गुजरात की बहुत सारी जनता, उन्होंने कहा कि महंगाई है। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ? जयंती प्रजापति। प्रजापति साहब कैसे देख रहे हैं, अभी आपने सुना, लोगों को सुना, गुजरात चुनाव में इस पर मुद्दे क्या है ये बताइए आप। आप लोग तो युवा भी हैं, लोगों को सुनते होंगे, नेताओं को सुनते होंगे, क्या मुद्दे हैं इस पर? अच्छा, बीजेपी सरकार है, भले महंगाई है। अच्छा, महंगाई है आप भी मान रहे हैं, ये हकीकत है। चलिए, तो कैसे, इधर आ जाइए। तो
क्या इस बार क्या हवा भरी है, क्या कुछ बदलाव है, कुछ परिवर्तन है या फिर बीजेपी की सरकार बनेगी? बीजेपी सरकार ही बनेगी तो भारत गुजरात में। अच्छा, आइए आम आदमी पार्टी साहब, आम आदमी पार्टी सब नहीं बना पाएगी? नहीं सर। कांग्रेस नहीं। टक्कर है किस में, कोई टक्कर में भी है या फिर एक तरफा लड़ाई? काम भी हो रहा है ना, वैसा जैसा है वैसा काम भी हो रहा है गुजरात में। अच्छा, काम हो रहा है इस वजह से? मतलब इस बार काम के नाम पे वोट मिल रहा है या मोदी जी के नाम पे वोट? मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा है, काम के नाम पे वोट नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो कौन जीत रहा है फाइनली? मोदी जी आएंगे गुजरात, मोदी जी ही आएंगे, तो ये चीज आप देख रहे हैं। चलिए एक लास्ट ओपिनियन मैं ले लूं यहाँ पर गोलगप्पे वाले से, उसके बाद जो है कट करते हैं, उसके बाद हम लोग फाइनली ख़त्म करते हैं। तो ये आपने देखा फाइनली कि क्या चीज़ था नहीं था, यहाँ पे मंदिर पे मैंने आया, लोगों से बातचीत की, नेता भी आते हैं जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया। अब ये देखना होगा 1/5/8 को तो रिजल्ट ही आ जाएगा कि गुजरात में जो 27 सालों से बना बनाया क्या उसको बरकरार रख पाएंगे या फिर इस बार कुछ बदलाव हम सबको देखने को मिलेगा, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। और ये कहा जाता है गुजरात किसका है, मोदी जी ने कहा मेरा है, क्या उनका बरकरार रहेगा, देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। अंबावती मंदिर से मोहम्मद आसिफ और सुमित की रिपोर्ट, SP9 न्यूज़।